हैप्पी दिवाली। तो उनके साथ मनाएंगे जाके, इंशाल्लाह जाके उनके साथ मनाएंगे। वेरी गुड, दिल मिलते हैं। हाँ, दिल मिलते हैं, दिल। अगर हम रिलीजन वगैरह को साइड पे रखें और आपस में अगर मिलजुल के रहें तो आई थिंक सो ये ज्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो में मैं हूँ आपकी होस्ट अलीना तारिक, और मेरी तरफ से और पीआरएस टीम की तरफ से सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। दिवाली फेस्टिवल है खुशियों का और उम्मीदों का, तो उम्मीद करते हैं कि इस साल आप ढेरों सारी खुशियाँ ज़रूर समेटेंगे। तो आज तो हम तो लोगों से जानने हैं, पाकिस्तानी आवाम से, कि दिवाली के फेस्टिवल के बारे में वो क्या जानते हैं, तो ये तो जानेंगे हम उनसे ही। तो उससे पहले आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अच्छा फकर, सबसे पहले तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे फैंस को दिवाली की शुभकामनाएँ दें। हैप्पी दिवाली टू ऑल द इंडियंस। मेरी विश है कि आप लोगों का ये त्यौहार बहुत अच्छा गुजरे और खुशी में गुजरे। हैप्पी दिवाली इंडियन लोगों को, एक अच्छा उनके लिए एक उनका त्यौहार है ये, जैसे हम ईद मनाते हैं और बाकी हम अपने त्यौहार मनाते हैं, ये उनके लिए अच्छा है, वो उसको समझते हैं, तो हमें भी समझना चाहिए, इसलिए हैप्पी दिवाली टू इंडिया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल हिंदूज एंड देयर फैमिलीज। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी दिवाली के बारे में क्या जानते हैं। दिवाली जो है हमारे नज़दीक तो एक हिंदुओं का मतलब एक रस्म ही है, जिस तरह हमारा एक ईद होती है उनका एक मतलब फेस्टिवल है। दिवाली उनका एक फेस्टिवल है, जैसे हमारे यहाँ ईद होती है वैसे उनका भी वहाँ पर एक फेस्टिवल है, वो उसे बहुत धूमधाम सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए। इसके मुतलिक यही जानते हैं कि जब उनका ये दिवाली का त्यौहार आता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं, दिवाली बनाते हैं और सारे उनकी रंगोली वो जो उनकी होती है रंगोली बनाते हैं और आपस में मिलजुल के इकट्ठे होते हैं, मोहब्बत का मतलब के प्यार बांटते हैं आपस में और खुशी का इजहार करते हैं। सबसे बड़ी बात एक फेस्टिवल है, जैसे हम अपनी ईद मनाते हैं और हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, इसी तरह वो अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं खुशी मनाते हैं। दिवाली के बारे में ये है कि उनका राम और सीता की याद में ये दिवाली मनाई जाती है और ये 5 दिन के लिए इनकी पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं जिनमें खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, लेकिन ये इसको सेफ तरीके से वैसे मनाना चाहिए, लेकिन हम इनकी खुशियों में शरीक होते हैं और इनको हैप्पी दिवाली। मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छा इवेंट है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ना कुछ, क्योंकि एक हैप्पीनेस मतलब वो माहौल क्रिएट करता है, ना कोई डिस्टर्ब किसी को करता है। तो मुझे ये बताइए दिवाली क्यों मनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ ईद होती है वैसे उनके भी वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर। हिंदू कम्युनिटी में मोस्टली दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनके वो जो राम और सीता की कहानी थी उसकी वजह से जो है वो मेरे ख्याल से उन्हीं की याद में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार बेसिकली तो उनका एक रिलीजियस है ना बैकग्राउंड है, उसमें उसके तहत मनाया जाता है उनका, जिस तरह हमारी ईद क्यों मनाई जाती है, खुशी का दिन है, इसी की तरह उनको एक कोई रिलीजियस होगी कि पीछे कोई मतलब जिस तरह राम और सीता की कोई मतलब कहानी स्टोरी मिथ्स पे बेस करता है। दिवाली का त्यौहार यही है कि ना जो राम और सीता के बारे में सुना है कि इनकी जो भी है रावण की कहानी है और इसकी याद में ये दिवाली मनाते हैं। बेसिकली चीज़ ये थी कि वो 14 साल के लिए जलावतनी चले जाते हैं और वहाँ पे वो फॉरेस्ट में रहते हैं राम सीता और लक्ष्मण, और फिर ये होता है कि 14 साल का टेन्योर जब ख़त्म होता है तो सीता को रावण ले जाता है, सुना होगा ना 10 सड़ों वाला, फिर उनको जलाया जाता है। तो ये स्टोरी है, हाँ, तो वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसको जो राम ने है उसको ख़त्म कर दिया था सीता को वापस लाने के लिए, तो इसकी याद में जब 14 साल बाद कि वो अपने अयोध्या सिटी में आए थे, तो उस टाइम के जो आए थे वो लोग तो सबों ने अपने घरों को सजाया था बड़ी खूबसूरती से उनका वेलकम करने के लिए, तो इस याद में जो है दिवाली को मनाया जाता है। ये त्यौहार एक्चुअली उनका एक रिलीजियस त्यौहार है जिसको वो बड़ा आप ओबे कह सकते हैं कि उसको ओबे करते हैं और उसको एक प्रॉपर तरीके से वो मनाते हैं, जिस तरह हम अपनी ईद मनाते हैं या कोई भी हमारा त्यौहार है उसको हम मनाते हैं। तो आपको दिवाली में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, उनकी रंगोली है, उनके क्या कहते हैं पटाखे फोड़ते हैं और ईच एंड एवरीथिंग पूजा और वगैरह, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। रंगोली एक वो करते हैं अपने त्यौहार में तो वो मुझे अच्छी लगती है, वैसे तो वो और भी अपने म्यूज़िक के साथ साथ होली और वो फायरवर्क्स वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन रंगोली इसमें बेस्ट लगती है। अच्छा, इस त्यौहार में आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है। इस त्यौहार में तकरीबन चीज़ें तो सब भी अच्छी हैं, पर लेकिन मेरे नज़दीक तो एक जो एक वो मतलब स्वीट अपना करते हैं, खाना बनाते हैं मतलब शेयर करते हैं, ये चीज़ मेरे नज़दीक बहुत अच्छी। मुझे सबसे अच्छा लगता है पूजा,
जो बोला करते हैं और पटाखे और सेलिब्रेशन डांस वगैरह। अच्छा, रंगोली पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि इतने प्यारे कलरफुल के तरीके से कलरफुल होते हैं और वो बड़े अट्रैक्टिव सा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इंडियन ड्रामा वगैरह भी देखते हैं कि वो इतना सजाते हैं और इतना प्यारा लगता है, वो चीज दिए वगैरह रात को रोशन करते हैं और खुशियां मनाते हैं और हमें भी चाहिए कि इनकी खुशियों में शरीक हों। रंगोली क्योंकि हर कोई अपने दिमाग से उसको बनाता है और उसे सेलिब्रेट करना चाहता है और अपने क्रिएटिविटी को शो कर रहा होता है। एग्जैक्टली, रंगोली बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है। इंडियन खाने पसंद है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या अच्छा लगता है सबसे? इंडियन सब्जी एक उनकी बड़ी मशहूर होती है, वो स्पेशल वो बनाते हैं, इंडियन वेजिटेबल उनको कहा जाता है, वो जो थाली टाइप होता है उसमें सब कुछ मिक्सचर मतलब सब सब्जियों का करके वो बनाते। अच्छा, तो राबिया मुझे ये बताइए कि आप इस दिवाली के मौके पे हिंदू बरादरी को क्या पॉजिटिव मैसेज शेयर करेंगी? मैं सब हिंदू कम्युनिटी को बगैर किसी तसब के एज ए पाकिस्तानी मैं तो सबको इक्वल समझता हूँ कि वो भी एक सिटीजन है हमारे मुल्क की और मैं उनसे बहुत मोहब्बत। पॉलिटिक्स ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अलग है, वो एक पर्सनल चीज़ है। रिलीजन पॉलिटिक्स वो सब एक गलत चीज़ है, मैं तो उनको क्योंकि उनको एक गलत चीज़ों पे यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। इसलिए मैं तो हिंदुओं को एज अ ह्यूमन जिस तरह अपने बहन भाइयों को इसी तरह उनको ट्रीट करना चाहता हूँ और उनको भी यही पैगाम देता हूँ, मोहब्बत प्यार रवादारी, और यही मेरा मैसेज है उनके लिए। इस दिवाली के मौके पे मैं हिंदू कम्युनिटी को यह पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ कि बेसिकली पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इनकी रंगोली मुझे बहुत पसंद है, ये टीवी वगैरह में भी देखा और दोस्त वगैरह भी हमारे वो देखते हैं। तो हिंदू दोस्त हैं या आप क्लास फेलो हैं? जी क्लास फेलो है हमारा। अच्छा, तो उनके साथ मनाएंगे जाके? इंशाल्लाह जाके उनके साथ मनाएंगे। वेरी गुड। पॉजिटिव मैसेज है कि वो हमारे बॉडी लाइन से उस तरफ हैं और दूसरी बात यह कि वो खुश रहें और अपने इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से इंजॉय करें और खुशियाँ बांटें आपस में। पीसफुल मैसेज यही कि अगर हम रिलीजन वगैरह को साइड पे रखें और आपस में अगर मिलजुल के रहें तो आई थिंक सो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर हम रिलीजन को बीच में लाएंगे तो आई थिंक सो कि कभी भी जो है ये खुशी खुशी नहीं रहेगी। फेस्टिवल्स हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर, आपस में हम लोग मिलके भी ये फेस्टिवल्स वगैरह को जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं और उससे खुशी में ही इजाफा होगा। पॉजिटिव मैसेज मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप हम आपको जैसे दिवाली आपको हम हैप्पी दिवाली कह रहे हैं या आपको हम उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं तो वैसे ही आप भी हमें ईद पे या एक दूसरे क्योंकि हम एक ही भी बड़े सगीर से एक्चुअली हमारा रंग एक जैसा है, हमारी ज़ुबान एक जैसी है, हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो ये इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस मैटर नहीं करते क्योंकि वो उनका रिलीजियस है, हमारा अपना रिलीजियस है, बतौर इंसान हम इंसान है ना, तो हम इतना सा तो उनके लिए कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए इतना कर सकते हैं। थिंग इज दैट कि हम लोग सब अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, उनके भी फेस्टिवल हैं, हमारे भी फेस्टिवल हैं, तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने से अगर दूरियां चेंज होती हैं तार या बॉर्डर लाइन तो हमें अलग नहीं ना कर सकती, तो तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। उम्मीद करते हैं कि आपका ये फेस्टिवल बहुत अच्छा गुजरेगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।